हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए आज मैं बताने वाली हूँ कि आप जो है पेंट में जो है ग्रेडियंट कलर कैसे ला सकते हैं। ग्रेडियंट यानी कि मिक्स कलर, कलरों को मिक्स करके हम कैसे जो है उसको पेंट में यूज़ करेंगे। यानी कि अगर हमको बैकग्राउंड चाहिए, मिक्स कलर का बैकग्राउंड चाहिए, दो कलर का बैकग्राउंड चाहिए, तीन कलर का बैकग्राउंड चाहिए, तो वो उस टाइप का जो बैकग्राउंड है हम कैसे जो है पेंट में बनाएंगे उसके बारे में बताने वाली हूँ। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइन से। यहाँ पे है लाइन टूल। इस लाइन टूल का इस्तेमाल करके हमको जो भी कलर चाहिए वो कलर, या जो भी कलर का हमको अपना बैकग्राउंड चाहिए वो कलर हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर सबसे पहले रखती हूँ रेड। यहाँ पर फिर मैं रेड से क्या करूँगी, एक लाइन खींचूँगी, ये एक मैं लाइन खींचूँगी डायगोनल। उसके बाद मैं फिर इसको फिल कलर से फिल कर लूँगी, जो कलर का लाइन था उसी कलर को हम फिल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे दो कलर का ग्रेडियंट बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे दो कलर यूज़ करूँगी, ठीक है, पहला, और एक दूसरा जो है मैं ऑरेंज कलर का यूज़ करूँ, तो मैं यहाँ पर यह डाल देती हूँ ऑरेंज कलर, ठीक है। अब हम जाएँगे रीसाइज़ वाले पे, तो ये है हमारा रीसाइज़ का ऑप्शन। यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ से परसेंटेज जो लिखा है परसेंटेज हटा के हम पिक्सल पे चूज़ करेंगे, और चूज़ करने पिक्सल को क्लिक करने के बाद देखोगे कि आप पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखा है 600 और वर्टिकल लिखा है 430। तो हमको ये याद रखना है, चाहो तो आप इससे बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, उतना कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मेनटेन एस्पेक्ट रेशियो जो लिखा है उसको हम पहले ऑफ़ कर देंगे, उसके बाद फिर हम हॉरिजॉन्टल को क्या करेंगे, साइज़ जो है उसका कम कर देंगे। हम यहाँ पे फ़िलहाल करेंगे 1, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कर देंगे ओके। तो देखो यहाँ पे हमारा जो साइज़ है पेज को एकदम कम हो गया है। उसके बाद फिर से हम रीसाइज़ में जाएंगे, परसेंट पिक्सल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारा 600 था, मेंटेन को हटा देती हूँ मैं, मेंटेन हटाएंगे, फिर यहाँ पर हम डालेंगे 600 था हमारा स्टार्टिंग में चाहा था, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ओके। तो देखो इस तरीके से हमारा जो बैकग्राउंड है पेंट का या पेज का जो हमारा बैकग्राउंड है वो कितना सुंदर और मिक्स होके कलर जो है आया है दोनों कलर का, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेंट में जो है ग्रेडियंट कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि कलर जो है कितना सुंदर मिक्स हुआ है, ठीक है। ये तो था चलो दो कलर के लिए, अब हम लोग अगर तीन कलर का करना हुआ तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करके फिर से वापस जाऊँगी बैक, उसके बाद फिर हम करेंगे। तो ये हो गया, यही कलर लूँगी मैं, चाहो तो आप दूसरा भी करके ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज लूँगी, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे लाइन, लाइन से फिर आप जो है डायगोनल लाइन खींचेंगे और इसमें कलर फिल कर देंगे। एक मैं ले लूँगी येलो, तो ये हमारा जो मॉर्निंग का जो व्यू है उस टाइप का जो हमको बैकग्राउंड देगा बहुत ही सुंदर आएगा, देखिएगा। ये हमने फिल कर लिया, अब चलिए हम फिर से जाएंगे रीसाइज़ पे। रीसाइज़ पे हम मेंटेन ऑफ़ करेंगे, पिक्सल पे जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा करके बताऊँगी, ठीक है। चलिए मेंटेन हट गया है, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 1, देन ओके, ठीक है। फिर से रिसाइज़ पे जाएंगे, मेंटेन को हटाएंगे, पिक्सल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम फिर से डालेंगे, इस बार चलिए मैं आपको 800 कर देती हूँ, ये 800, ठीक है। चलिए अब उसको ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना सुंदर जो है ग्रेडियंट होके आया है, ये आपका तीनों कलर को इतना सुंदर मिक्स किया हुआ है। चलो ये अब आपको आई होप समझ आ गया होगा कैसे करना है। चलिए अब एक चीज़ में मैं आपको और बताऊँगी कि ये तो रहा हमको एक टाइप का डिज़ाइन, अगर हमको इसमें दो तरह का डिज़ाइन चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं। चलिए बताती हूँ कैसे। फिर से हम कंट्रोल जेड करके इसको बैक चले जाते हैं, ठीक है, ये रहा। इसके बाद हम करेंगे, फिर से जाएंगे रीसाइज पे, यहाँ पे हम मेंटेन हटाएंगे, उसके बाद पिक्सल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कम करेंगे। तो अगर हमको दो चाहिए, दो टाइप के मिक्सिंग चाहिए, तो हम दो क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, फिर से रीसाइज पे जाएंगे, पिक्सल पे क्लिक करेंगे, मेंटेन हटाएंगे, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जितना था, या 6 था शायद मे बी, लेकिन मैं यहाँ पे 900 कर लेती हूँ, ओके। देखिए तो ये दो तरह का हमको मिक्स करके देता है, आपको एक जो है इस टाइप का मिक्स करके दे रहा है, तो जो भी आपको मिक्सिंग अच्छी लग रही है
वो आप मिक्सिंग को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि है, मैं इसको पेज को कर लेती हूँ बड़ा, ठीक है। अब मुझे मान लो जो ये है, ये वाला जो कलर है मुझे बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं इसको जो है सेलेक्ट करके डाल सकती हूँ। तो यहाँ सिलेक्शन में जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है वो आप सेलेक्ट कर लो। मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आप कॉपी करेंगे इसको कंट्रोल सी करके, ठीक है। अब जहाँ भी मुझको पेस्ट करना है उसको, अब उस वाले एरिया पे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, या मान लो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ मुझे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे अब मैं कंट्रोल वी करूँगी। उसके बाद फिर इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी, ओके। फिर से मैं कंट्रोल वी करूँगी और उसको ला के मैं यहाँ पे रख दूँगी इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, ठीक, चलिए, तो देख रहे हो ये मिक्सिंग कितना सुंदर लग रहा है। तो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और दो टू टाइप्स के मिक्सिंग के अलावा भी आप थ्री टाइप्स के भी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आप जो है PGDCA लेवल तक की चीज़ें सीख सकते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा।